तो गाइस मैं दिल्ली में लैंड हो चुका हूँ। लैंड होते ही मैं आया हूँ इधर हेमलेस स्टोर पे। इधर आ तू 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 कहाँ से लेट आई है? मेरे जाते तू वहाँ बाहर गई मेरे से बिना परमिशन लिए? एक तो रेड शॉर्ट्स में, ये व्हाइट शॉर्ट्स में, इसमें से आप क्या कह रहे हो कौन जीतेगा? व्हाइट शॉर्ट वाला। ठीक है, 2000 की है। ये दुखी है, ये दुखी नहीं, ये रो रहा। अरे यार इसे पता है कि ये जीत गया, इसे पता है कि ये जीत गया। ना ना वो उठा भी लिया बॉडी में। गाइस आप देख सकते हो मैंने मेघदूत से अपनी बिरयानी मंगाई है। आज मेरा हैदराबाद में दूसरा दिन है और मेरी दूसरी हैदराबाद की बिरयानी। गाइस इस बिरयानी की पैकिंग कितनी सुंदर है यार। मैंने ये बॉक्स खोला, इसके अंदर ये था, ये इन्हीं की अपनी पैकेजिंग है मेघदूत, और ये इनकी चटनी, रायता और ये प्याज सब इसी में है। गुड आफ्टरनून गाइस, तो अभी भैया भाभी सब लोग गए हैं बाहर अपना व्लॉग बनाने और घूमने के लिए, थोड़ा हैदराबाद को एक्सप्लोर करने, आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाने, आप लोगों को पूरे हैदराबाद दिखाने। और मैं अब जा रहा हूँ वापस, मैं वापस उनकी कल की फ़्लाइट है, मैं अभी वापस जा रहा हूँ। मैं एक दो घंटे बाद फ्लाइट है वो बुक कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को जल्दी से ऑस्कर शिरो के पास जाना है यार, क्योंकि मैं थोड़ी देर में वैसे चला जाऊँगा। तो अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं जितने भी दिन उन्होंने यहाँ पे सारा दिन ऑस्कर शिरो के साथ रहूँ, तो बस ऑस्कर शिरो के लिए मैं जा रहा हूँ वापस। और मैं यहाँ पे जिस जो गोल था मेरा, मैं जिनके लिए आया था, जिनको देखने के लिए आया था, जो मेरा ड्रीम था बचपन का, वो तो पूरा हो ही गया है। तो अब यहाँ पे क्या करना है मेरे को, रुक के घूमना फिरना है नहीं मेरे को। बात तो सही है। और ये है आफ्टर बिरयानी, तो आप देख सकते हो। और आफ्टर बिरयानी के बाद भी आफ्टर फिर मैंने फ्रूट्स खाए, क्योंकि मेरे को मिर्च लग रही थी, मैंने स्पाइसी ऑर्डर करी थी। तो भाई मैं चलो मैं सच से बता रहा हूँ, मैंने आज तक जितनी भी बिरयानी खाई है उसमें ये सबसे टेस्टी बिरयानी थी। एक तो इसका बॉक्स भी इतना सुंदर है, और इसका देखो ये पैकेजिंग भी इसी की है, मेरी लाइफ की सबसे टेस्टी बिरयानी है ये। और पता है हमारे यहाँ जो दिल्ली NCR में, नोएडा हो गया, कहीं भी, वहाँ जो हैदराबादी बिरयानी देते हैं, मतलब मुझे ये फील हुआ वहाँ तो हैदराबादी बिरयानी के नाम पे भाई वो तो पागल बना रहे हैं, ये असली हैदराबादी बिरयानी है। खैर वो तो सबको पता है हैदराबाद में ही होगी असली तो, पर मतलब जो टेस्ट यहाँ का आया हो वहाँ का वो कॉपी करते भी हैं, मुझे नहीं पता। मैं देखो मैं बहुत बड़ा बिरयानी फैन हूँ, मैंने सारे आउटलेट्स ट्राई करे हुए हैं, पर मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई, ओरिजिनल है। और गए थे मैंने होटल के फिर से, इनकी चॉकलेट भी खा ली है, और मैं तो जा रहा हूँ चॉकलेट खा के। भैया कल चेकआउट करेगा तो बिल पे करेगा, भैया खेलो बड़े दिमाग से, बहुत तेज हो रहा है। तो गाइस मैं दिल्ली में लैंड हो चुका हूँ, लैंड होते ही मैं आया हूँ इधर हेमलेस स्टोर पे ऑस्कर और शिरो के लिए टॉयज लेने। तो मैंने ये एक पेपा पिक का सेट लिया है, इसमें पेपा और जॉर्ज दोनों हैं, जैसे ऑस्कर शिरो दोनों भाई भाई हैं, ये दोनों पेपा जॉर्ज है, और भी बहुत सारे टॉयज हैं यहाँ, पर अभी दो ही लिए हैं क्योंकि दो दिन से चलेंगे भी नहीं, फाड़ देते हैं। गाइस मैं घर आ गया हूँ, पर अभी ऑस्कर शिरो ना ऊपर है मम्मी के रूम में, अभी उन्हें जाके लेके आता हूँ। ये रहा मेरा रूम भाई, कहीं भी चला जाऊँ मुझे ना सिर्फ दो ही जगह आराम मिलता है, एक तो यहाँ और एक अपना थाईलैंड वाला रूम, और कहीं नहीं। इधर आ तू 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 कहाँ से लेट आई है? मेरे जाते तू वहाँ बाहर गई मेरे से बिना परमिशन लिए? मुझे परमिशन करा तूने? मुझे परमिशन ली? मुझे फोन करा? ओ बोल, इसका मैं फोन छीन कर रख रहा हूँ, इसका दो दिन घर जाना बंद, तो दो दिन के लिए ग्राउंडेड है। तो गाइस मैं आया हूँ रात को लेट, मुझे भूख लग रही है, अब मैं गोलू से अपने लिए कुरकुरे वाली चाट बनवा रहा हूँ। बना माथा देखा ही अपने, राधे राधे का मिटा दिया, राधे राधे तो मेरे गाल पे लगा दिया मैंने। गाल पे क्यों? मैंने कहा गाल वैसे बढ़िया अलग चमकेगा, अब क्या ढूंढ रहा है कुरकुरे तो ये रहे। तो गाइस मैं घर आते ही UFC 293 देख रहा हूँ, मैं इसी के लिए जल्दी घर आया हूँ जिससे मैं देख पाऊँ। मैं अकेला नहीं, क्योंकि मेरा एक पार्टनर बेस के साथ मैं देखता हूँ ये रहा। तो मैं और ऑस्कर सपोर्ट कर रहे हैं इजी को, है ना बाबू, इसराइल अडेसानिया को जो रेड शॉर्ट्स में है। हाँ? ओ भाई ये भाई मुश्किल में है ये फाइटर, इसको मैं और ऑस्कर सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, इजी इजी इजी, हेड मूवमेंट, हेड हिलाते रहो ऐसे, जिसमें फोन हिला रहा हूँ। ओ भाई ओ भाई ओ नहीं 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 भाई 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 भाई, मेरा फाइटर पिट रहा है, हार सकता है। नहीं 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 क्या है, आ जा, ये लाइव फाइट आ रही है, देखेंगे आराम से। हाँ बताए, दो है इनमें से कैसे सपोर्ट करेगा, रेड शॉर्ट्स वाले को वाइट, अगर ये जीता रेड वाला मेरा तो हम धन 2 देखेंगे, तेरा जीता तो जवान, ठीक है चलो। मैं अभी हूँ, तू किस पे लगा रहा है? मैं अभी बचा तो फाइट खत्म हो जाएगी, मैं लगा रहा हूँ रेड वाले पे। क्या 2000 रुपए? अपने कब से गिरवी रखा? 2000 देगा ठीक है। अरे मैं तो खुद रेड वाले को सपोर्ट कर रहा हूँ। गाइस आप देख सकते हो इतनी क्लोज फाइट है, मैं बीच में इतना नर्वस हो गया कि मुझे वॉशरूम आना पड़ा है, और मैं टीवी छोड़ के वॉशरूम में टैबलेट पे देख रहा हूँ अब।
शाबाश बेटा। क्योंकि बीच में मेरा फाइटर थोड़ा पिट गया था, मैं नर्वस हो गया, तो आप समझ रहे हो मैं वॉशरूम क्यों आया हूँ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है गाइस, मुझे मम्मी ने ऊपर बुलाया है और आप देख सकते हो मैं कैसे जा रहा हूँ अपना टैबलेट साथ लेके लाइव देखते हुए। हाँ अरे ये भी आ गया, मेरे मैच चल रहा है भी बहुत इम्पोर्टेंट, और देखो यहाँ आती वाईफाई अटक गया, मेरा मैच अटक गया। अटक जान तो बैठ जा, मैच अटक जान दो, जान दो, ये तो भग गया। चलो आज मैं और आप शर्त लगाएंगे। क्या? अभी दिखाता हूँ, दिखा। ये दो लड़ रहे हैं, ये वाला और ये वाला, एक तो रेड शॉर्ट्स में ये वाइट शॉर्ट्स में, इसमें से आप क्या कह रहे हो कौन जीतेगा? मेरे को लग रहा है सिंपल, देख लेना ना थोड़ा सा। अच्छा थोड़ा देखोगी? चलो देखो, दुखी मत बनो ज्यादा, क्या बहुत पता है। देखो यार टेढ़ा बोलता हुआ मैं, वाइट शॉर्ट वाला, वाइट शॉर्ट वाला, ठीक है। 2000 किए हैं, मैं रेड शॉर्ट वाले को कर रहा हूँ, विक्की भी वाइट वाले को कर रहा है, ठीक है। चलो ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो मैं खुश हूँ गाइस क्योंकि अभी एक मिनट का बचा है फाइट और पॉइंट्स के हिसाब से मेरा फाइटर जीत रहा है इजी। लास्ट में मेरा जीतेगा, लास्ट में एक मिनट बचा, क्या लास्ट बोल रहा हूँ जिता दे वरना आप हारने वाली हो। आप 2000 हार रही हो, विक्की भी 2000 हार रहा है। अच्छा चलो देखते हैं। तो गाइस चल रहा है, मैं अपना रिएक्शन रिकॉर्ड कर रहा हूँ इन केस कहीं कोई नॉकआउट हो जाए तो। 30 सेकंड बचे हैं और मेरे फाइटर जीत रहे हैं पॉइंट्स के बेसिस पे। 20 सेकंड बचे हैं, इजी, बस ऐसे ही डिस्टेंस मेंटेन रख भाई। ओ नहीं नहीं नहीं, कॉर्नर में मत जा, ये कॉर्नर। 10 सेकंड मम्मी, अब तो मैं जीत गया, अब दोनों 2000 रुपए निकाल दो। देखो ये देखो ये देखो, व्हाइट शॉट, व्हाइट शॉट, व्हाइट शॉट, व्हाइट शॉट, व्हाइट शॉट। ओ 5 सेकंड बचे हैं, जीत गया मैं, जीत गया। नहीं 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 गिराया, नहीं गिराया, ओ जीत गया मैं, नॉकआउट नहीं हुआ। अब मेरा फाइटर जीता है पक्का पॉइंट्स बेसिस पे। ये जीत गया, जीत गया, ये जीता है, नहीं जीता, ये तो ये जश्न, ये जश्न मना रहा है, जश्न मना रहा है, सुनो जीत के तगड़े बना रहा है, ये ऐसा हार के जश्न मना रहा है, ये ऐसा दिखा रहा है कि मैं जीत गया पर ये हार गया, असली में मैं बता रहा हूं हमको सिखा रिया है। नहीं 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 नहीं, ये तो ऐसा शो करते हैं, दुखी है ये, दुखी नहीं, ये रो रहा। अरे यार इसे पता है कि ये जीत गया, इसे पता है कि जीत गया, वो उठा भी लिया गोदी में, उसकी टीम ऐसा दिखा रही है कि वो जीत गया पर असली में हार गया, मैं बता रहा हूँ ना। देखिए बहस कर जा रही हूँ मुझसे, हार रहे हो कोई उठाता होगा, या तो नॉकआउट, या तो नॉकआउट करा हो तो मैं मानू। क्या? अच्छा अरे ये भी बैठी है। हाँ सैंडी कौन जीता है? रेड शॉट। अच्छा हाँ रेड शॉट को ही मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। अरे नहीं जीता है, अभी अभी पता, अभी 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 डिसीजन आएगा, ये बेल्ट वाइट वाले को दिए। अभी हाईलाइट देख रहे हैं जहाँ एक बार इजी नॉकडाउन हुआ था, वो देख देख के खुश हो रही है। अब पता तू क्या कहेगा थोड़ी देर में, चीटिंग हुई है ना, ना यूएफसी ने चीटिंग, ना ना ये जीतने वाला। अरे अभी पता चल जाएगी, देखते रहो यार, तू पिट ही पिट रहा है, और क्या इससे क्या ज्यादा क्या लेवे नाम से भी ना। अब रेड शॉट, अब बिजनेस मैच आ रहा है, चलो चलो चलो, अभी पता चल जाएगा। ये हमारे घर के दोनों लड्डुओं को देखो कितना सजे हुई है। तू कहाँ के लिए, तू कहाँ जा रही है? मंदिर। तू कहीं बाहर नहीं जाएगी? क्यों? लड्डू जाएगी है ना लड्डू? यस। जा रूम में जा सो जा। देख मेरे पीछे कितनी अच्छी आई है। तू उसमें सच में पूंछ ऐसी लग रही है। सैंडी तरह ऊपर चल के करण को डांट, वो अभी तक जाने से रेडी हो रहा था और उसने कपड़े वपड़े चेंज कर दिया, मम्मी का मूड खराब हो गया, मम्मी को बुरा लग रहा है कि पहले जा रहा था फिर कैंसिल कर दिया। मार का खोपड़ी तोड़। मैं तो खुद बात नहीं कर रही उससे। क्यों? अच्छा तभी यहाँ बैठी है तू, क्यों? फिर एक लड़ाई होगी उससे? जल्दी जल्दी मेरे रिस्क आर्मी को बता दे लड़ाई क्यों। अच्छा लड़ाई होगी? हाँ यार पता नहीं कैसे लड़ाई हो जाती है, मुझे समझ नहीं आया, पता नहीं क्या हुआ। एक सेकंड, एक बार ऐसे ऐसे देखते रहिए उसका, मेरे पास फेस पे ज़ूम कर देते। ये है गाइस, इसके फोटो पे जल्दी से गाल भाभी गाल वाले कमेंट्स करो बहुत सारे, और मैं आजकल देख रहा हूँ ये लड्डू के फोटोज पे लड्डू कमेंट और पू कमेंट कम हो गए हैं, जाके भर दो पू दीदी लड्डू दीदी बहुत सारे कमेंट करो। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे मंदिर, यहाँ पे जो फंक्शन हो रहा है, मेरी भम्मू और मैं, और मैंने इतने अजीब कपड़े पहने, मतलब अजीब नहीं मुझे अजीब लग रहा है, मैं ऐसे पहनता नहीं, मैंने इतनी लूज जींस मम्मी पता नहीं कितने सालों में पहनी है। चल फिर भी ठीक पहन ली, वैसे मंदिर लग तो है भी नहीं। अच्छा मंदिर लग अभी भी निकाल दिया, पहले मैंने शॉर्ट्स पहने थे, मेरे पे यही 2-3 जींस ही बची है, मेरे पे मैंने सारे निकाल के किसी ना किसी को दे दिए हैं।
सारे लोवर ही है मेरे पास। चलो कल चलने गुच्ची पहन लेने। क्या जीन? अब नहीं, मैं तुम्हारी वीडियो को बना रहा हूँ दोनों के चलते हुए। ये मैं अपने हाईलाइट में डालूंगा। ये देखो, ये हमारे मेरी फैमिली के दो दो लड्डू। तो ये वहां से मेरे लिए मक्खन लेके आए हैं। मक्खन ने क्या है? बक्खन, बक्खन बोला गुलन, बक्खन बक्खन बक्खन। हाँ, भोग है, खाओ। इसके लिए परहेज मत करिए भाई। बहुत ही बढ़िया है, ये टेस्टी। आपको गाड़ी में लाइट चलते दिख रही होगी। हमें उतरा तो बहुत देर हो गई और ये लड्डू ना अपने फोटो शूट करा रही है अंदर गाड़ी में बैठ के। उतर जा। और ये मेरे से थोड़ा मक्खन का प्रसाद मांगना चाहिए। कृष्ण जी का प्रसाद चाहिए दोनों को। ले आओ आओ, रुक जा। मैं रुक जा भाई, ये तो बहुत पागल है, रुकते नहीं है। इसे पूरे मत खा जाइए कुल लड़को। सबने पूरी मटकी, देखो ये हमने टाइटल बता दिया, सबने पूरी मटकी। अभी तक तो बस करण से गुस्सा थी, अभी मेरे से भी होगी। क्यों? सबने मिलकर तो दोनों भाई एक जैसे हो। कैसे? चिड़चिड़े चिड़चिड़े दुनिया भर के चुड़ोक। चल जाके करण से बात करके ना। चल आ जा सैंडल। दो दिन ठीक है, मैं कितने चैन से दो दिन तो मैं हो ही नहीं सही है। छोटो उतरने का मौका नहीं यार। गेंद से पता क्या हुआ, मैं तो रखी हुई, मैंने रोक लिया। मैंने कहा कोई उतरने पे तो बात कर रहे हैं कि दोनों उतर रहे हैं या नहीं। फिर उसने कहा नहीं मैं फोटो खिंचवा रही हूँ। फिर उसने गेट खोल दिया, तो मुझ पे चिल्लाया। मैंने कहा यहाँ तो उतर जाओ या गेट बंद कर दो कि मम्मी को लिया है। लड़ाई होती है उसी रीजन से तुझसे भी होगी। सैंडी का सारा सपना चूर चूर हो गया। सैंडी ने सोचा कि करने से मनाने के लिए बैठा होगा, इसके पीछे पड़ेगा। और मैंने ऊपर जाके देखा करने के रूम की लाइट बंद है, मस्त सोया हुआ है। और मुझसे तुझसे भी चल तो सॉरी ले। तू हैंडशेक कर, सब खत्म कर दे। चल लड़ाई खत्म कर, हैंडशेक कर। हैंडशेक कर ले। हाँ ठीक है, चाय पी ली। गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह सुबह मैं अपने नेल्स कट करा रहा हूँ मम्मी से, क्योंकि मैं हैदराबाद जा रहा हूँ। मैं आज के करा रहा। हाँ हाँ, मतलब आज जल्दी सुबह सुबह 7 बजे, क्योंकि मैं हैदराबाद जा रहा हूँ। मैं क्यों अभी मैं बताऊंगी? अच्छा अभी मैं बताऊँ, मतलब मैं बता नहीं सकता मैं आज। लेकिन बस मैं इतना बता सकती हूँ, ये बहुत ही बड़ा सरप्राइज है। ये तो इसके लिए भी है, खुद के लिए। मैं जिनसे मिलने जा रहा हूँ, मैंने मैं खुद नहीं, मैंने पूरे घर को उनका फैन बनाया हुआ है। घर की दीवारों तक पे, हमें उस मतलब क्या पता होगा उनको कि इंडिया में एक लड़का है जिसने 10 साल की उम्र में मेरे फोटो अपने घर अपने बेडरूम की दीवार में बनवाया हुआ है। और खूब बड़ा ऐसे होते हैं फैंस। हाँ पूरी दीवार पे। उसके लिए हमने स्पेशली कोई बुलाया था, स्पेशली आर्टिस्ट बुलवाया था, फिर वो पेंट करवाया था। वो मैं दिखाऊंगा आपको। आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा होने जा रहा है। हाँ है, मैं वहाँ दिखाऊंगा अभी। गाइस ये दिख रहा है आपको? नहीं, ये रो रहा है। ये कह रहा है कैसे मत दो कुछ भी, जो बाहर क्योंकि मैं नहीं बाहर डॉग से मैं उनके लिए ट्रीट लेके जा रहा हूँ इसकी। तो कह रहा है मेरी ट्रीट मत दो। ले कैप्टन, कैप्टन ले ले सर। नहीं कैप्टन ले। ओ चीरो ले, एक ले ले। चल कैप्टन भी आना रहा, एक बिस्किट ले ले। हाँ कैप्टन। मम्मी देखो एक बिस्किट तो रख दिया है, वो दूसरा ले रहा है। देखो दूसरा ले लिया। हाँ। एक रख के ऐसी लग होता है। दे दो जल्दी। ओ शीरो शीरो खा लेते हैं। इसका दम निकल रहा, चोंच निकल। ओ ये सोच रहा मैं उधर भेजो, मुझे जल्दी जाऊं। देखो देखो चला गया, गया वो लेके। और कैप्टन को नहीं मिली? मैं पूछ के पाएंगे। कुछ अलग दिख रहा है, कुछ अलग दिख रहा है मेरे पास, कुछ आपकी चीज। मेरा बैग ले लिया है। क्यों लिया है? ये मुझे सुनने में आया है आपका हमेशा खाली एक्स्ट्रा रहता है। एक्स्ट्रा नहीं है मेरा, और मेरा ट्रैवल लगा रहता है तो मैंने ले लिया। नहीं ले सकता गाइस, मैं सुबह सुबह पाई करूँ, मैं पाई का गुच्ची का ट्रैवल बैग ले लिया। नहीं मैं आज ले जाओ। नहीं नहीं नहीं, देखो आपके पास एलवी का है, वो आप डेली लेके जाते हो। एक और है, ये भी खाली रखा हुआ था बिल्कुल, तो खाली। हाँ एक कोच का है खाली। से अच्छा मैं ले लूँ ना? तू उसे ले ले। उसे कौन सा? मैं ले जाता हूँ। कब है? उसे ले जाता हूँ। आपको डेली मैं छोड़ने जाता हूँ। एक भी दिन नहीं देखा मैंने, और ना मेरी ऑडियंस ने देखा होगा। अगर आपने देखा है तो आप बताओ कमेंट में। एलवी का देखा है सबने। अब कहाँ जा रहा है तू? हैदराबाद की। अभी बताएगा नहीं? वो सरप्राइज। मैं भैया भाभी, मैं भैया भाभी। अच्छा तो सही जा रहा है। अब मुझे दिखा रहा है। चल काम कर जा। शेरो जिस के यहां से बाहर निकल आ रहा है ना, थोड़े दिन पेट्रोल पंप पर। मैं बस 2 दिन को जा रहा हूं। यहां पर खाने मिल जाते।